आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello everyone, we have given a question that states that the following table shows the percentage of buyers of four different brands of bathing soap. Represent the above data in a pie chart. देखो पाई चार्ट आपके पास क्या होता है, पाई चार्ट इज अ सर्कल ग्राफ। ये आपका एक सर्कल ग्राफ होता है जिसमें आप जो है डाटा को रिप्रेजेंट करते हो इनटू सेक्टर्स। हमने देखो एक सर्कल ले लिया, ठीक है। अब देखो उन्होंने बोला है आपको परसेंटेज को जो है इसको डिनोट करना है पाई चार्ट में। सबसे पहले हमें पता है कि जो हमारी परसेंटेज होती है वो टोटल जो है 100% होती है। फिर भी देखो जो हमारा डाटा दिया हुआ है हम उसको प्लस करके देख लेते हैं हमारा कितना बनता है टोटल वैल्यू। तो जो टोटल वैल्यू हमारी बन रही है दैट इज 20 प्लस 40 प्लस 25 प्लस 15 दैट इज इक्वल टू 100। 100 ही आई है आपकी देखो वैल्यू। अब हमारे पास सर्कल है, सर्कल को हमें रिप्रेजेंट करना है सेक्टर्स में जिसमें हमारा डाटा होगा। तो उसके लिए हमें सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा, ठीक है। सेंट्रल एंगल जो हमारा होता है वो होता है वैल्यू ऑफ कंपोनेंट, यानी कि जो भी चीज़ की आपको वैल्यू दे रखी है उसकी वैल्यू आएगी, ठीक है, अपॉन में आपके पास आती है टोटल वैल्यू, जितनी भी आपके पास उसकी टोटल वैल्यू बनी है। जैसे यहाँ पर 100 बनी है, मल्टीप्लाई में आपके आता है 360 डिग्री। देखो 360 डिग्री क्यों आता है, क्योंकि हमें पता है जो हमारा सर्कल होता है सर्कल का जो एंगल होता है सेंटर एंगल वो आपका 360 डिग्री होता है, इसलिए हम इसको 360 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले अपने सेंट्रल एंगल निकालते हैं अपने डाटा के लिए। देखो आपको डाटा क्या दे रखा है, ए बी सी और डी के बारे में आपको बोला है 20 40 25 एंड 15। हम इसका सेंट्रल एंगल निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है। अब सेंट्रल एंगल क्या, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट कितनी है 20 अपॉन टोटल वैल्यू कितनी है 100 मल्टीप्लाई 360। जीरो से ये कट हो गई, जीरो आ गया हमारे पास इसका 72 डिग्री। नेक्स्ट है हमारे पास 40 अपॉन 100 इंटू 360। जीरो से जीरो कट हो गई, 36 इंटू 4 आपके पास आ गया 144 डिग्री। नेक्स्ट है 25 अपॉन 100 इंटू 360। 25 फोर जा 100, 4 के टेबल पे 36 कट हो गया, 49 जा 36, जीरो आपका आ गया 90 डिग्री एंगल। नाउ आपके पास है 15 अपॉन 100 इंटू 360। जीरो से आपके जीरो कैंसिल होगी, 15 एंड 10 5 के टेबल पे कट हो रहे हैं, 5 थ्री ज़ा 15, 5 टू ज़ा 10, 2 के टेबल पे 36 कट हो गया 18 आया, 18 थ्री ज़ा 54। अब जो हमारे एंगल आए हैं इन्हें हम रिप्रेजेंट करेंगे अपने इस सर्कल में जो हमने सर्कस लिया था। देखो इसको पहले इसकी एक रेडियस ड्रॉ कर लेते हैं हम, ये हमने रेडियस ड्रॉ कर ली इसकी, ठीक है। अब सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं 54 डिग्री। देखो 54 डिग्री का एंगल कुछ इस तरह से होगा जो आपका डाटा रिप्रेजेंट करता है डी का। एक एंगल है आपके पास 90 डिग्री। देखो 90 डिग्री स्ट्रेट एंगल होती है ना हमारा, ये बन गया हमारा 90 डिग्री का एंगल दैट इज सी। एक आपके पास एंगल है 72 डिग्री का, तो 72 डिग्री का 90 से कुछ कम ही होगा, ये बनेगा कुछ इस तरह दैट इज 72 डिग्री दैट इज रिप्रेजेंट बी। और ये आपका एंगल आ गया 144 डिग्री दैट इज बी, सॉरी दिस इज द ए। यही चीज़ आपको रिप्रेजेंट करनी थी पाई चार्ट में, तो ये हो गया। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।